कराची के साहिल पर हर मौसम में ही लोग आते हैं, लेकिन सर्दियों के मौसम में समंदर की सर्द हवाओं से लुत्फंदोज होने का अपना ही एक मजा है। यही वजह है कि एयरपोर्ट की रिहायशी रुबीना बीबी अपने खानदान के हमरा सर्दी के इस मौसम से लुत्फंदोज होने साहिल पर मौजूद है। मुझे तो घर में कह रहे थे कि रह जाओ, मैंने कहा नहीं, मैंने जाने बच्चों के साथ, मजा आएगा। आइडिया सारे बच्चों का ही था, बच्चों के साथ हम लोगों ने भी बहुत एंजॉय किया। साहिल पर एक तरफ जहां लोग समुद्र के ठंडे पानी से खेलते रहे, तो दूसरी जानब ऊंट की सवारी और साहिली रेत से मुख्तलिफ घरौंदे बनाकर बच्चों ने इस शाम को मजीद यादगार बना दिया। नानू कहती है कि मुझे खाना खाना होगा अगर मुझे समंदर पर आना है। अभी बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा घर जाने का वापस, काफी मजा आ रहा है कि ठंड नहीं लग रही। शहरियों का कहना है कि कराची में सर्दियां कम ही अरसे रहती हैं और सर्दियों की शामों में साहिल पर टहलने का अपना ही एक लुत्फ है। कराची के साहिल पर सर्दियों की शामें अपनी ही एक कशिश रखती हैं और यहाँ पर लोगों की मौजूदगी इन तमाम तर मनाजर को मजीद खूबसूरत बना देती है। कैमरामैन नदीर अली के साथ कैन खान, दुनिया न्यूज़, कराची।